आज हम आपके साथ फुटू की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। यह बारिश के मौसम में बाज़ार में उपलब्ध होता है। इसे छत्तीसगढ़ में पिहरी फुटू भी कहा जाता है। इसे हमने सबसे पहले अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी में यह रहता है, तो इसे अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद इसे हमें अच्छे तरीके से जैसा वीडियो में दिखाया है वैसे ही तोड़ना है। इसे बीच से ऐसे तोड़ के चेक कर लेना है अंदर में मिट्टी तो नहीं है। इसे अच्छे से साफ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमने इसे तोड़ लिया। अब हम बर्तन में तेल डालेंगे, उसके बाद हम उसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब हमने 3 से 4 कली लहसुन को पीस लिया था, उसे हमने ऐड किया है। अब इसे हम भूनेंगे। उसके बाद हमने इसमें एक टमाटर एक प्याज डाला है। अब इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसमें हमने धुली हुई फूटू को ऐड किया है। हमने मसालों में गरम मसाला भी ऐड किया था। अब इसे हम लेंगे, गरम मसाला ऐड किया हमने, स्वादानुसार नमक, अब हम इसमें 2 टमाटर ऐड किए हैं छोटे साइज का। उसे भूनने के बाद इसमें हमने थोड़ा पानी ऐड किया है। अब इसे हम ढककर अच्छे से पकाएंगे धीरे धीरे। अब यह पककर तैयार है। इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। यह ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। आप हमारे वीडियो को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहे हों, हमारे YouTube चैनल CG24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब फूटू की सब्जी बनकर तैयार है। आपको यह रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा।